नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। आज अपन बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता, जिसके लिए मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं और साथ में ली है ये पनीर। और इसके अंदर ग्रेवी में हम डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। ये सब चीजों को मैं बॉईल करके इसका मसाला बनाऊंगी और फिर हम डालेंगे इसके अंदर ये दही और मलाई और थोड़ा सा ये मैंने लिया है पिसा गरम मसाला और भुना हुआ जीरा। और तड़का हम लगाएंगे थोड़े से ये साबित गरम मसाले का। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में होंगे थोड़े से काजू। तो ये बनेगी मेरी वाइट ग्रेवी, वाइट ग्रेवी का मलाई कोफ्ता। ये बॉईल करने जा रही हूँ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज है। मैंने थोड़ा ही पानी लिया है क्योंकि यही पानी हम ग्रेवी में यूज करेंगे। और इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक, ये भी बॉईल हो जाएगी। और साथ में डालेंगे लहसुन क्योंकि हमें वाइट क्रीमी पेस्ट बनाना। अब इस तरह से इसमें हमने काजू भी डाल दिए और साथ में डाल रहे हैं थोड़ी सी हरी मिर्च और डालेंगे इसके ही अंदर टमाटर। ये सब चीज़ें जब बॉईल हो जाएंगी तो इसको हम मिक्सी में पीस के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और बढ़िया आएगा। और जब तक ये हो रहा है, जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम बनाते हैं, आलू को ग्रेट करते हैं और पनीर को भी ग्रेट करते हैं। ग्रेट पनीर, ये देखिए ये मैंने पनीर मिला दी। और ये जो आलू होता है इसको पहले से बॉईल करके रखना चाहिए क्योंकि ये गर्म में नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पानी रह जाएगा। अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी जीरा और साथ में डालूंगी ये कटा हुआ बारीक पुदीना। पुदीने से बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। और साथ में डालूंगी मैं ये भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा ये है गरम मसाला। बस ये डालने के बाद अब बाइंडिंग मेरे को करनी है तो पहले मैं इसको मिला लूंगी। ये देखिए क्योंकि मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे आलू और पनीर को रख दिया था तो ये बिल्कुल मॉइस्ट फ्री है। अब इसके अंदर मैं मिलाऊंगी ये मैदा, मैदा मैं मिलाती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके जितनी मुझे ज़रूरत है। और बस फिर ये हो जाएंगे मेरे मलाई कोफ्ते सॉफ्ट, बढ़िया तैयार। इस बीच में मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया है और फिर हम इसको सेकेंगे। तो ये देखिए ये मेरा लगभग तैयार है। और क्योंकि हम इसको वाइट ग्रेवी में बना रहे हैं तो किसी प्रकार का भी हम इसमें कलर यूज़ नहीं करेंगे, ना हम इसमें डेजी मिर्च डालेंगे। ये देखिए ये हो गया तैयार। अब देखिए ये मेरे मलाई कोफ्ते तैयार हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा इसको डैप कर दिया है मैदा के अंदर और ये मैं डालूंगी इसके अंदर और इसको मैं फ्राई करूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। ये बिल्कुल नरम बढ़िया मलाई कोफ्ते आपके बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इसको हमें ज़्यादा नहीं हिलाना है, बहुत धीमी अपने उसमें इसको पकने देंगे नहीं तो इसके टूटने का डर होता है। ये इस कदर सॉफ्ट होते हैं कि इसके टूटने का पूरा पूरा चांस होता है, इसलिए इसको हमें बहुत ही ध्यान से बहुत ही धीरे एक ही बार में इसको गोल्डन कर लेना और फिर दूसरे टाइप से पलट देना। अब ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है और ये मैंने जो बॉईल किया था सामान इसके अंदर है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, काजू, ये सारी चीज़ों को मैं अब इसके अंदर ग्रेवी के लिए तैयार करूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो तेजपत्ते के पत्ते डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे ये साबुत मिर्च, थोड़ा सा बड़ी इलायची, इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। वैसे मैंने ये गरम मसाला और भुना हुआ जीरा भी तैयार रखा है जो हम बाद में अपनी ग्रेवी में डालेंगे।
इसके अंदर हम बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मैं इसको वाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम डाल देते हैं मिक्सी में। ये थोड़ी देर सॉटिंग होगी, इसको पकने देते हैं और इसको हम ढक देते हैं। ये ढकने से थोड़ा जल्दी हो जाएगी और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया क्रीमी टेक्सचर इसमें आ रहा है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे दही। दही से और भी ये ग्रेवी हो जाएगी वाइट, क्योंकि हमको चाहिए वाइट क्रीमी। और इसमें ही हम डाल देंगे मलाई और लास्ट में हम डालेंगे बटर। तो ये देखिए, ये मैंने होममेड अपनी घर की ही मलाई डाली है, मार्केट की मलाई मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और वेट करते हैं जब तक ये ऑयल छोड़ना शुरू करती है ग्रेवी। अब ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और अब हमारा ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते नहीं डालेंगे। ये बिल्कुल तैयार, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। मैंने इसके अंदर मलाई और दही दोनों डाल दिया और प्याज, लहसुन, अदरक, काजू सभी की बढ़िया खुशबू आ रही है। जब हम थोड़ी वाइट ग्रेवी बनाते हैं तो हम इसको थोड़ी ज़्यादा देर तक भूनते हैं, क्योंकि फिर हमें रेड वाले में तो पता चल जाता है, वाइट वाले में नहीं पता चलता। कोई भी चीज़ अच्छी बनाने के लिए उसका भूनना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन। मक्खन आप अपने हिसाब से डालिए और ये मक्खन से इसका फाइनल इंग्रेडिएंट बिल्कुल बढ़िया ग्रेवी तैयार। और ये मैंने कोफ्ते जो बनाए हैं, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये ग्रेवी। धीरे धीरे हम इसके सभी कोफ्तों को कवर करेंगे और धीरे धीरे ये ग्रेवी हम डालेंगे। अभी देखिए सारे ही कोफ्ते हमारे कवर हो गए और बिल्कुल नरम और रेडी टू सर्व है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया, धनिया पत्ती, और मैं डालूंगी थोड़ी सी इसके अंदर इस पॉइंट पे मलाई। ये हो गए हमारे मलाई कोफ्ते बिल्कुल लाजवाब तैयार। और बीच में फिर हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर। ये है बिल्कुल रेडी टू सर्व।